नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर का रविवार की सुबह 8:12 पर निधन हो गया। लता मंगेशकर के निधन की खबर से मनोरंजन जगत में सन्नाटा पसर गया है। लता मंगेशकर लगभग एक महीने से बीमार चल रही थी। 8 जनवरी को उन्हें कोरोना संक्रमित होने के बाद मुंबई के बीच क्रेडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लता को कोरोना के साथ निमोनिया भी हुआ था। लता की उम्र को देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें ICU में एडमिट किया था। तब से वह लगातार संघर्ष ही कर रहे थे। इलाज के दौरान बस 2 दिन के लिए उन्हें वेंटिलेटर से हटाया गया था। फिर जैसे ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, फिर से लता को वेंटिलेटर सपोर्ट पर लाया गया था। अपने लगभग 78 साल के करियर में करीब 25,000 गीतों को अपनी आवाज़ देने वाली लता मंगेशकर को कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया था। 3 बार उन्होंने राष्ट्रीय अवार्ड अपने नाम किया था। अपनी मधुर आवाज से लोगों को मोह लेने वाली लता मंगेशकर को प्रतिष्ठित भारत रत्न और दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। उधर सोशल मीडिया पर लता मंगेशकर के निधन की खबर सुन फैंस और सेलेक्ट साहब सभी सिंगर की आत्मा को शांति मिलने की दुआ कर रहे हैं। लता मंगेशकर की सुरीली आवाज उनके चाहनों वालों के कानों में गूंज रही है। अब ये आवाज़ हमेशा के लिए मौन हो गई है।